हाय फ्रेंड्स, ACL इंजरी के बाद ये पांच मिस्टेक्स आप बिल्कुल ना करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर क्षितिज सोनी, आर्थ्रोस्कोपी स्पोर्ट्स इंजरी एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, चांदनी हॉस्पिटल कोटा। दोस्तों, सबसे पहली जो मिस्टेक है वो है प्लास्टर लगवा लेना। दोस्तों, जैसे ही आपको चोट लगी, आप अपने डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने जाते ही आपका एक्सरे करवा कर देखा और एक्सरे आपका बिल्कुल नॉर्मल आया। अब आपको आपके डॉक्टर साहब ने एडवाइस कर दिया कि इनको प्लास्टर लगा दिया जाए और प्लास्टर लगवा के आपको घर भेज दिया। दोस्तों, ये एक ब्लंडर है, इसलिए मेरी आपको एडवाइस है कि आप अपने स्पेशलिस्ट सर्जन के पास जाएं जो कि नी में स्पेशलाइज्ड हैं। वो सर्जन आपको सिर्फ एक्सरे नहीं कराएंगे, आपके घुटने को एग्जामिन करेंगे और एग्जामिन करते ही उनको पता लग जाएगा कहीं कोई लिगामेंट लैक्सिटी या फिर कोई इंस्टेबिलिटी तो आपके घुटने में नहीं है। अगर इंस्टेबिलिटी फील होती है तो वो स्ट्रेट अवे आपकी MRI करवाएंगे और MRI करवा के आपका आगे का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे। दोस्तों, एक्यूट स्टेज में प्लास्टर लगवा लेना से बहुत सारी दिक्कतों का आगे जाकर सामना करना पड़ता है, इसलिए आप प्लास्टर बिल्कुल ना लगवाएं। दूसरी गलती जो होती है वो है गरम सेक करना। इसलिए अगर आपको ACL इंजरी है तो दोस्तों, जैसे ही आपको ACL इंजरी होगी, आपके घुटने में ब्लीडिंग होगी। घुटने में ब्लीडिंग होगी तो घुटने में खून इकट्ठा होगा। हमारा नी उस समय हॉट नी कहलाता है। इस हॉट नी की कंडीशन में अगर आपने इस पे गरम सेक कर लिया तो दोस्तों, हमारा जो अंदर ये जो ब्लीडिंग हुई है वो वहीं पे सेट होने लग जाएगी और वो एक इन्फेक्शन का कारण बन जाएगी। इसलिए मेरी एडवाइस आपको है कि आप एक्यूट केसेस में आइस पैक से सेक करें, ना कि हॉट पैक से सेक करें। तीसरी गलती जो आप अमूमन कर बैठते हैं वो है कि हम कंप्लीट रेस्ट करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके नी में ACL इंजरी है तो आपके नी को रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, आपके नी को फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। और ये फिजियोथेरेपी एक गार्डेड फिजियोथेरेपी होनी चाहिए आपके फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडेंस में। बिकॉज जैसे ही हमारी चोट लगती है, हमारी टेंडेंसी होती है घुटने की एक पोजीशन में रखने की, क्योंकि उससे हमें रिलीफ मिलता है। दोस्तों, अगर हमने इस पोजीशन को मेंटेन करके रखा तो हम हमारे घुटने को नी स्टिफनेस की तरफ लेके चले जाएंगे, जो कि आने वाले टाइम पर हमारे घुटने में आगे अगर सर्जरी होनी है तो उसमें भी एक बाधा का काम करेगा। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, घुटना सीधा ना रखें। दोस्तों, जैसे ही हमारे चोट लगती है हम प्लास्टर लगवा लेते हैं और उसमें घुटना आपका सीधा रहता है, लेकिन अगर आपने कई बार प्लास्टर नहीं लगवाया और आपके डॉक्टर साहब ने आपको नी ब्रेस दे दिया, तो ये ध्यान रखें कि हमेशा नी ब्रेस को लगा के 24 घंटे नहीं रखना है। आपको उसको निकाल कर बार बार फिजियोथेरेपी करने की ज़रूरत होनी चाहिए। वो आपको इम्पॉर्टेंट समझनी चाहिए, बिकॉज आप फिजियोथेरेपी करेंगे तो आपका नी और रीहैब बेटर होगा। और लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़, इंजरी को इग्नोर ना करें। जैसे ही आप डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब ने देखा, एक्सरे करवाया, दवाई एडवाइस करी और आपको घर भेज दिया, कुछ टाइम में आपके घुटने की सूजन खत्म हो गई, आपका दर्द खत्म हो गया और आपको लगने लगा अब आप ठीक हैं, लेकिन 15-20 दिन निकले, महीना भर निकला, आपने कुछ इस तरह की एक्टिविटी करने की कोशिश करी जैसे कि रनिंग या फिर आप बैक टू स्पोर्ट्स हुए और आपको वापस लचक आई या कुछ दिक्कत हुई, ऐसा होने पर आपके घुटने को ऐसा करने पर मजबूर ना करें। टाइमली ट्रीटमेंट लें। अगर आपको ACL टेयर है तो आप चल फिर सकते हैं, आपको चलने में प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन आप स्ट्रेनस एक्टिविटीज़ जैसे कि रनिंग, प्लेइंग स्पोर्ट्स, ये सारे काम आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ACL इंजरी के बाद आपका नी इंस्टेबल हो जाता है, स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। इग्नोर ना करें, उसका ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि अगर वो बार बार रगड़ मारेगा तो आपके घुटने को और ज़्यादा डैमेज करेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी ACL टेयर या ACL इंजरी से परेशान हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट करें, मेरी टीम आपको बहुत जल्द रिवर्ट करेगी।